हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा UPMRC रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी आने वाली है। आप सबका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है UPMRC की तरफ से, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से आप सबका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है अपकमिंग वैकेंसी को लेकर के। तो चलिए, अभी फिलहाल में नोटिफिकेशन क्या मिला है आप सबको मैं दिखा देता हूँ, और आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा कंटिन्यू आप सबको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में दो तीन बातें और बताना चाहूँगा। तो अभी क्या है कि न्यूज़पेपर में हमने एक न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ा है कि SSC JEE 2024 का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिए फॉर्म भरने के लिए। और दूसरा, कैलेंडर तो आप लोग देख ही चुके होंगे SSC का, तो सारा चीज़ तो जान ही रहे होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, सेकेंड एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। देखिए, इसमें क्या है कि नोटिफिकेशन तो आने वाली है, अगर इन केस नहीं आती है नोटिफिकेशन इन दिनों में, आने वाले 10 से 15 दिनों में, तो मैं बताना चाहूँगा जितने भी शेड्यूल हैं, कैलेंडर हैं, वो चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा और जो आपका कैलेंडर है वो इसी हिसाब से चेंज भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सुबह एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी जहाँ पर ये बातें क्लियर थी कि SSC JEE 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्द, आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा बात, DVC JEE का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है और उसका फॉर्म फिलअप डेट भी बता दिया था कि 18 मार्च से उसका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी उसका फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, जैसे ही उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा उससे प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वैकेंसी डिटेल सारी चीज़ें एक तरफ से मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और JEE या फिर AE या फिर टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं। दूसरा चीज़, UPMRC का जो नोटिफिकेशन अभी आया है वो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सबके सामने है, जहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर UPMRC HR रिक्रूटमेंट 1/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज प्री स्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट। तो देखिए कौन कौन सा रिक्रूटमेंट आ रहा है किन किन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंस मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंस मैनेजर SNT, असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर HR, असिस्टेंट मैनेजर PR, असिस्टेंट कंपनी सिक्योरिटी और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर SNT, SCTO, अकाउंट असिस्टेंट, उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल की और वैकेंसी है असिस्टेंट मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए, आप सबकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिख रहा है कि फॉर डिटेल्स नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टेंटेटिव डेट एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज एलिजिबिलिटी ETC कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वेबसाइट। तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसके रोज वेबसाइट पर विजिट करें, उसके लिए हम हैं ऑलरेडी। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल अभी जो अपडेट था ये था कि अपकमिंग वैकेंसी तो आनी तय है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी देने वाला है ये भी आउट कर दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी तक ये सब बातें नहीं मेंशन किया गया है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, वैकेंसी कब तक आ जाएगी, अभी ये श्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप रोज़ विजिट करते रहिए, कभी भी रेंडम अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल उसके लिए हम हैं, बस आप लोग क्या कीजिए, चैनल को बस सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही अपडेट मिलेगी, चाहे UPMRC से फिर चाहे अन्य टेक्निकल वैकेंसियों से, आप सभी तक मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि हमारा ये काम ही है, क्योंकि मैं अभी तक नोटिफाइड करता आया हूँ और फ्यूचर में भी करता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।